भाई साहब इस साल यानी 2024 में लगातार साउथ का डंका बजने वाला है। ये क्या बात करता है यार, वो भी एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार बार, क्योंकि ये ट्रस्टेड ये प्रॉमिसेस अभी से बन के आ रहे हैं इन चारों मूवीज की तरफ से, क्योंकि छोटी सी इंफॉर्मेशन ही इनकी सोशल मीडिया पर तूफान लाने का काम करती है, क्रैकिंग्स लाने का काम करती है। अच्छा, और जब ये मूवी थिएटर हाउस पर रिलीज हो जाएंगी तो बॉक्स ऑफिस में कितना बड़ा भूचाल आएगा भाई, वो अभी से अंदाजा लगा सकते हैं। क्रैकिंग्स तो आएंगे ही आएंगे थिएटर हाउस में, जिन उसके बाद क्योंकि जो भी नंबर्स ये कलेक्ट करेंगी वो काउंटेबल होंगे या नहीं होंगे वो भी इस वीडियो पर बात करने वाले हैं, क्योंकि एवरी सिंगल ऑफ दिस मूवी हैज पोटेंशियल टू कंप्लीट टू कवर अप 1000 करोड़ इजीली। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अभी बात करेंगे कि भाई इन मूवीज के ट्रेलर्स या फिर जो सिनेरियो सेट करा जा रहा है इनके साथ क्लैशेस की कोई बात आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि क्लैशेस की भी है सिर्फ साउथ के नहीं भाई, बॉलीवुड के पास भी बहुत सारी मूवीज हैं, तो क्या ये इजीली इनके सामने रिलीज कर सकती हैं, क्योंकि भाई बहुत बड़ी हाइप लेकर चल रही है ये सारी मूवीज। उसके बाद इनके ट्रेलर्स कब आ सकते हैं और भी क्या नई इन्फॉर्मेशन इससे जुड़ी है, देन मूवी की जो डेट है रिलीज डेट है क्या वो कन्फर्म है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, इस साल की मोस्ट हाइप्ड मूवी की बात करें कल की 2898 की, जो लगातार हाइप में बनी पड़ी है। छोटी से छोटी अपडेट ही, क्योंकि अभी बातें चल रही हैं थिएटिकल्स नॉन थिएटिकल्स राइट को बेचने की, जहां पर इन्होंने प्रॉमिस कर रखा है, मतलब मांग रखी है कि भाई हम 800 करोड़ से ज्यादा लेंगे नॉन थिएटिकल और थिएटिकल राइट्स को बेचने के लिए। देन उसके बाद टीजर की बात चल रही है, तो मूवी तो भाई पोस्टपोन हो ही गई है क्योंकि इलेक्शंस के चलते मूवी नहीं आएगी। मूवी को फोकस करा जा रहा है जून के लिए, जो पहले 9 मई को मूवी आनी थी, और अभी भाई साहब टीजर की बड़ी लंबी बात चल रही थी कि टीजर अब आएगा तब आएगा, फिलहाल टीजर को लेकर किसी के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन एक अजम्पशन सेट कर सकते हैं, एक इमेजिनेज मतलब एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि शायद इस महीने के अंत तक हमें इस मूवी का टीजर देखने को मिल जाए। लेकिन उससे पहले भी अभी प्रॉमिस ये करा जा रहा था कि प्रील्यूड यानी एक एनिमेटेड टीजर दिखाया जाएगा, जहां पर कहानी क्या होने वाली है, कहानी कहां से स्टार्ट होने वाली है और यहीं से स्टार्ट क्यों होने वाली है मूवी में, उसका जो भी ब्रीफ कनेक्शन है वो उस एनिमेटेड टीजर में दिखाया जाएगा कि ये है रूट कॉज वहां पर मूवी की कहानी को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि वहां आगे आने वाले दो पार्ट और हैं, यानी इस मूवी को 3 पार्ट में लाने की बात भी चल रही है। मूवी का अच्छा खासा बजट है और मूवी को फोकस करा जा रहा है कि जून पे ही ये लाएंगे। अगर जून पे नहीं लाए तो भाई इसके बाद कोई भी ऐसी सुटेबल डेट नहीं है जहां इसे सिंगल रिलीज होने का मौका मिले, क्योंकि आगे ही सिर्फ बॉलीवुड से कोई पंगा नहीं है, बॉलीवुड की कोई अगर मूवी आ भी जाती है इसके सामने तो इजिली बीट डाउन कर देंगे। ये साउथ की ही मूवीज ऐसी हैं जो बहुत हाइप लेके चल रही हैं भाई। बात करें पुष्पा 2 द रूल की, जो अगस्त लेकर बैठा पड़ा है, यानी 15th ऑफ अगस्त को पुष्पा आ जाएगी और इतनी बड़ी हाइप चल रही है इस मूवी की पुष्पा की फर्स्ट के अपार सफलता के बाद, भाई लोग इसे देखना चाह रहे हैं। एक नया कैरेक्टर, एक साइकोटिक कैरेक्टर जो निगेटिव मतलब जो गलत काम करके भी एक ऐसा किंगडम सेट कर चुका है, रूल कर रहा है वहाँ पर, देन उसके बाद अभी उसका जो टीजर आगे आग लगा कर गया है, एक नया लुक देकर जो गया है, हिडन आइडेंटिटी के साथ वो टीजर को निकाला गया है, और उस टीजर ने भाई दम रखा है मूवी को प्रमोट करने के लिए। ना कि यही चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मूवीज के बहुत से सीन्स डाले जाते हैं टीजर को प्रमोट करने के लिए, लेकिन ये एक अलग ही अनोखा टीजर था जो मेकर्स बहुत अच्छी चालाकी चतुराई से खेल रहे हैं। उसके बाद भाई साहब इसका अगर हम बात करें ट्रेलर कब आ सकता है, तो जुलाई के आसपास हमें इजीली इसका ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, और 15th ऑफ अगस्त इसकी डेट कंफर्म है कि पुष्पा 2 द रूल हमें देखने को मिल जाएगी, जहां पर दोबारा से फ्लावर नहीं फायर है मैं का तड़का देखने को मिलेगा और मैं झुकेगा नहीं, ये सारी चीजें फिर देखने को मिलने वाली है। नाउ टॉक अबाउट थर्ड मूवी जूनियर एनटीआर की मोस्ट मच अवेटेड मूवी, जहां RRR के बाद जूनियर एनटीआर को हमने कभी और बड़ी मूवी में काम करते नहीं देखा है, और देवारा जो ये मूवी आने वाली है इसके जो कॉन्सेप्ट है कंटेंट है वो बहुत भारी भरकम प्रॉमिस करा जा रहा है, क्योंकि पायरेट्स की कहानी होने वाली है, वो लेट 90s की कहानी होने वाली है, ब्रिटिश रूल जब हम पे राज किया करता था और वो छोटी मोटी टुकड़ियां वो चोर उचक के ये वाली सी, तो भाई इसके लिए अलग से एक अनोखा तैयार है, क्योंकि इसका जो ग्लिम्स आया था वो समंदर से लालम लाल था, क्योंकि समंदर में जितना पानी उसकी लहरों में देखने को नहीं मिल रहा था उससे ज्यादा उन लहरों में खून देखने को मिल रहा था उस ग्लिम्स में, तो आप समझ सकते हो कि मास लेवल पर एक्शन के लेवल पर देवारा किस हद तक आने वाली है। और जूनियर एनटीआर के लिए तो भाई वेट है ही है, क्योंकि RRR पे जो हमने वो काम देखा है और
और ये मूवी प्रॉमिस करके चल रही है कि भाई साहब 10th of October को रिलीज हो जाएगी, जिन्होंने क्लियर एंड कट डेट डाल दी है अभी से ही। तो इसका टीजर कब आ सकता है? इसका टीजर भाई इलेक्शन के बाद या जून एंड जुलाई जून के आसपास भी देखने को मिल सकता है। एंड ट्रेलर कब आ सकता है? तो भाई साहब ट्रेलर इजली इसका अगस्त में हमें देखने को मिल जाएगा, जहां पर पुष्पा चल रही होगी। और जब मूवी ये अक्टूबर में आएगी तो अक्टूबर के साथ साथ ये नवंबर भी कवर करेगा, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट चांस वहां पर कंगुआ मूवी के लिए रहेगा, जो सूर्या की मोस्ट मच अवेटेड मूवी है। वो सूर्या जिसको हमने एलसीयू कनेक्शन में देखा है, एलसीयू यूनिवर्स में देखा है, जिसने कैथी मूवी देखी, जिसने लियो मूवी देखी है, और जिसने विक्रम मूवी देखी है, तो रोलेक्स जो कैरेक्टर है डेडलीस्ट भाई ब्रूटल विलेन वहाँ का, वो यहाँ पर आने वाला है। देन उसके बाद भाई इस मूवी के लिए हाइप ये भी है क्योंकि इसमें बॉबी देओल आने वाले हैं, अपना अबरार यानी एनिमल का वो डेडलीस्ट नेगेटिव रोल वाला विलेन हमें दोबारा यहाँ पर फिर से वो नेगेटिव एंड ब्रुटैलिटी के साथ देखने को मिलने वाला है। जहाँ पर एक टीजर ये रिलीज आउट किया है, क्योंकि एक टीजर इसलिए ही बोल रहा हूँ कि सेकंड टीजर भी आ सकता है। जिस हिसाब से इन्होंने पोस्टर रिवील आउट किया है, सूर्या के ही दो फेस होने वाले हैं, एक मॉडर्न वाला और एक पास्ट वाला। पास्ट वाला कौन सा है? वो जंगल बस्ती वाइल्डलिंग्स वाला एंड कबीला वगैरह वाला, जहाँ पर बॉबी देओल एक निगेटिव कैरेक्टर में देखने को मिल रहा है। तो टाइम ट्रेवल पर ये मूवी होने वाली है, दैट्स वाई कि भाई इस चीज़ के लिए भी अलग से इंतजार है, कुछ नया देखने को मिलेगा। मतलब एक्शन मास तो हमें देखने को ही मिलेगा, लेकिन ये फुल मूवी जो भी अभी तक है स्टोरी एंड कंटेंट ओरिएंटेड मूवी है, जहाँ पर स्टोरी का बहुत बड़ा रोल प्ले भी होगा। और आप इन चारों में से कौन से पैन इंडिया सुपरस्टार के डाई हार्ट फैन हो? भाई मैं चार मूवीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, जिसमें पुष्पा 2 द रोल मेरी लिस्ट में नंबर 1 है, लेकिन कल की 2898 उससे पहले आएगी, तो भाई वो मूवी हम पहले देखेंगे। और भाई इन मूवीज़ के साथ कोई भी ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये मूवी भाई अगर क्लैश होता भी है तो थोड़ा तो नुकसान इनको भी झेलना पड़ेगा, लेकिन बाबा हम चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड बनाए, और वो 1000 करोड़ का जो बिजनेस हमें पिछली बार देखने को मिला था दो मूवी से, इस साल बार बार देखने को मिले हर दो महीने के अंतराल में। फिलहाल सिंघम अगेन की बात चल रही थी कि पुष्पा 2 द रूल के साथ क्लैश होगा, लेकिन भाई पोस्टपोन की बात आ चुकी है, जहां पर बहुत से मीम्स एंड ट्रोलिंग सिंघम अगेन को झेलने पड़ रहे हैं कि डर गया ये वो। भाई ये चीज़ मत करो, वो अलग चीज़ है, वो उनका बिजनेस वाला स्टाइल है भाई, उन्हें भी पैसे कमाने हैं। पुष्पा 2 द रूल की बहुत बड़ी हाइप है, इसलिए वहाँ पर उसके सामने कोई मूवी आ नहीं सकती है। इन चारों मूवीज़ की बहुत बड़ी हाइप है, तो इनमें से किस मूवी के लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो? इसके टीजर ग्लिम्स जो भी इनसे रिलेटेड अभी तक रिलीज आउट हुए हैं, कौन सा सबसे फार एंड बेस्ट लगा है, और कौन सी मूवी से आपको बेस्ट स्टोरी मिल सकती है, आपका क्या प्रिडिक्शन है या आपकी क्या उम्मीद है, होप रख रहे हो? और बाकी इन चारों मूवीज से रिलेटेड और भी कुछ मालूम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही, जय।